खुशी रहो, आपका स्वागत करती हूँ हैजी न्यूज में। पति बाहर रहता था तो कमरे में पानी भर के गंदा काम करते थे ये जेठ। तो चलिए जानती हैं ये क्या है पूरा मामला। कुछ अटपटा सा लग रहा है, आपको भी जानकारी जानना काफी सा जरूरी है क्योंकि काफी सारे ऐसे किस्से होते रहते हैं जिनके बारे में अगर आप भी जानेंगे तो शायद अलर्ट हो सकते हैं। तो मेरे साथ बने रहिए, पर उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए जरूर जाइए और साथ के साथ एक लाइक ठोकते हुए जरूर जाइए। तो शुरू करते हैं आज की न्यूज। उत्तर प्रदेश के औरैया से हमारे सामने मामला आ रहा है जहां पर अंजलि नाम की एक लड़की अपने पति और अपने जेठ के साथ एक ही घर में रहती थी और उसे दौरान ही वहां पर काफी ज्यादा हंसी मजाक होता ही रहता है। आप लोगों को पता है कि देवर और भाभी और जेठ और भाभी का भी जो रिश्ता होता है वो काफी ज्यादा मजाकिया होता है, वो एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा मजाक भी करते रहते हैं। पर अगर देवर और भाभी रहती है तो मजाक होता है, पर अगर जेठ रहता है तो मजाक नहीं हो पाता है। अगर मैं सही हूं तो मुझे जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। पर यहाँ पर जो जेठ था वो काफी ज्यादा मजाक किया था, मतलब कि वो अपनी भाभी के साथ काफी ज्यादा मजाक करता था। और उसी दौरान जब उस अंजलि का जब पति बाहर चला जाता था तो तब उसकी जो हरकतें थी वो काफी ज्यादा बढ़ जाती थी, मतलब कि वो छेड़छाड़ काफी ज्यादा करने लगता था। इस दौरान अपने पति के बाहर जाते ही अंजलि एक्चुअली अपने कमरे का जो लॉक होता था वो लगा के सिर्फ अंदर ही रहती थी, वो बहुत कम बाहर आती थी कि उसका जो जेठ था वो उसके साथ छेड़छाड़ ना कर पाए। तब ये काफी दिनों तक चलता रहा और उस दौरान ही जेठ काफी इरिटेट हो गया। तब उसने एक पैंतरा अपनाया और पैंतरा अपनाने के बाद पानी का पाइप लेके जाके उसके रूम के बाहर छोड़ दिया। और जब जैसे जैसे वो पानी अंदर भरता गया तब उस दौरान अंजलि को डोर खोलना ही पड़ा। और जब उसने डोर खोला और जब जेठ ने बोला कि मुझे पाइप बाहर निकालना है, पाइप अंदर फंस गया है, तब उस दौरान उसने जब डोर खोला तब अंदर अंजलि को धक्का मार दिया और उसके साथ काफी ज्यादा छेड़छाड़ की और काफी ज्यादा बदतमीजी भी की। और उस दौरान अंजलि ने 100 नंबर पे कॉल किया और कॉल करने के बाद वहां पर पुलिस बुलाई और अपने जेठ को पुलिस के हवाले किया और उसके ऊपर काफी ज्यादा कार्रवाई भी अभी हो रही है और अपने पति को इसके बारे में सब चीजें बताई। आखिरकार पहले ही उसे अंजलि को अपने पति को बता देना चाहिए था और जेठ को वहां से निकाल देना चाहिए था या वो कहीं और रह सकते थे, क्योंकि ऐसी सब चीजें जब स्टार्टिंग से ही हम लोगों को हिंट मिलती है तब हम लोगों को वहीं पर अलर्ट हो जाना चाहिए और उस इंसान को अपनी जिंदगी से दूर कर देना चाहिए। क्या बोलते हैं आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार। अगर ये खबर आपको पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एचडी न्यूज़।